अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुनव्वर हुसैन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लाला बिजली वाला। तो व्यूअर्स, आज हम आए हुए हैं यहां पे शियाबाद। पहले हमने शियाबाद के गिर्द नवा में तो काफ़ी सारे सेटअप लगाए हैं, जैसे लाड़ हो गया, खोजा बस्ती हो गया, ज़रीफ़ शहीद हो गया, जलालपुर हो गया और इसके इर्द गिर्द मुल्तान वगैरह। लेकिन आज हम आए हुए हैं शियाबाद सिटी के अंदर। यहाँ पर हम मियाँ अबू बकर साहब का, जो के बेटे हैं मियाँ बाबर के, इनका हम यहाँ पे सिस्टम लगाने वाले हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम है 10 किलोवाट का, ग्रोवाट का। और यहाँ पे हम जो पैनल यूज़ कर रहे हैं वो 575 वाट लॉन्जी डबल ग्लास हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम L2 टाइप के स्टैंड यूज़ कर रहे हैं और 8-8 के हम यहाँ पे स्ट्रिंगें बना रहे हैं। और इन स्ट्रिंगों को पावर ले जाने के लिए हम 8 mm की स्टील कोटेड कापर वायर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पैनल्स को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमने जो नट बोल्ट यूज़ किए हैं वो आप देख सकते हैं, ये स्टील के नट बोल्ट हैं जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। लोहे वाले नहीं किए क्योंकि उनको जंग लग जाता है, जिसकी वजह से वो अगर बाद में प्लेट रिप्लेस करनी पड़े तो वो खुलते नहीं हैं, टूट जाते हैं। और यहाँ पर हम ग्रीन मीटर के लिए यहाँ पर हम 4 कोर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 4 कोर यहाँ पे रखी हुई है। और ये हमारा खंबा है जहाँ पे हमारे ग्रीन मीटर लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम अपने ग्रीन मीटर से कनेक्शन करेंगे और नीचे चल के हम अपना ग्रोवाट का सिस्टम लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मगरिब हो चुकी है, टाइम ठंडा है, जैसा कि आप जानते हैं आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, 48 डिग्री टेम्परेचर है। तो शाम के टाइम हमने सेलेक्ट किया है प्लेटों को असम्बल करने के लिए। तो जल्दी से पैनल्स को असम्बल कर लेते हैं इस जगह और ये वाली जगह। यहाँ पे हम 4-4 पैनल लगाएंगे टोटल, यहाँ पे हमारे 12 पैनल यहाँ पे लग जाएंगे और 4 पैनल ये जहाँ पे 4 कोर है वहाँ पे लग जाएंगे। तो जल्दी से हम अपना सेटअप कंप्लीट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह प्लेटों को इंस्टॉल किया है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फुल फ्लैश फाइनल अपना हमारा जो सिस्टम है, ये जो हम यहाँ पे 16 पैनल लगा रहे थे और 15 वाट का यहाँ पे सिस्टम लगा रहे हैं, उसके लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। कंक्रीट भी हो गया है और पैनल्स भी सारे असेंबल हो गए हैं और कनेक्शन भी लग चुके हैं। ये हमने 8-8 की स्ट्रिंग्स का यूज़ किया है, 2 स्ट्रिंग हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। देख सकते हैं ये है हमारा ग्रोवाट और ये है हमारे पास एक विंगल जिससे हम इसको ऑनलाइन करेंगे, और ये हमारे 4 कोर के लिए इनपुट आउटपुट के लिए, और ये हमारे पास हैं 2 MC4 कनेक्टर, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, और ये हमारे लिए कम्युनिकेशन वाला प्लग है। और नीचे हम राइट साइड पे अपना 4 कोर इन करेंगे 3 फेज। सो व्यूअर्स, हमने अपना सेटअप लगाना शुरू कर दिया है, हार्डबोर्ड आपके सामने है, लग चुका है, और हमने स्टैंड के ऊपर ग्रोवाट का इन्वर्टर भी हैंग कर दिया है। और हमने अपने वायरों के लिए 60x60 की डक पट्टी यूज़ की है और यहाँ पे 24 होल की एक DP लगी हुई है। और साथ में हम लगा रहे हैं कुछ 3 फेज के, यूँ समझ लें कि अर्थ ब्रेकर, ये शॉर्ट ब्रेकर, वो उससे हम अपना जनरेटर, वापडा और 3 फेज को कंट्रोल करेंगे। तो ये हम डक पट्टी यूज़ कर रहे हैं और ये हैं इसकी एक्सेसरीज। और यहाँ पे हम 8 mm की वायर यूज़ कर रहे हैं, स्टील कोटेड कापर वायर। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने अपना ग्रोवाट का सिस्टम और वहाँ पे उसकी 2 स्ट्रिंग्स और विंगल और 3 फेज का जो कनेक्टर है वो लगा दिया है। और उसके लिए हमने जो ब्रेकर यूज़ किए हैं वो 3 फेज के ब्रेकर्स हैं और एक पावर प्रोटेक्टर है और 2 हमने DC ब्रेकर का यूज़ किया है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे
जनरेटर की वायर, एक सिंगल फेज़ वाले वापडा की वायर और एक थ्री फेज़ को बाईपास कराने के लिए हमने यहाँ पे जो ब्रेकर्स हैं उनमें लगा दी है। और अब हम आउटपुट्स के लिए कुछ ब्रेकर लगा रहे हैं जो हमारी आउटपुट्स को कंट्रोल करेंगे, जिसमें शार्ट ब्रेकर, अर्थ ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर और पावर प्रोटेक्टर शामिल हैं। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, फुल फ्लैश फाइनल हमारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है और हमारा सेटअप अब फुली तौर पे एक्टिव हो जाएगा जैसे ही हम इसके ग्रीन मीटर वाले ब्रेकर जो हैं उसे ऑन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।